स्वागत तो रह जाता। जो भी ओशो के भक्त हैं या फिर उनके विरोधी हैं, वो लोग जो जानना चाहते हैं ओशो की जन्म पत्री के ऊपर, आज मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। निश्चित रूप से बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि इस वीडियो में उनकी ज्योतिष जन्म पत्री के आधार पर मैं बताऊंगा कि आखिर ओशो के सेक्स गुरु बनने में कौन कौन ग्रहों का हाथ था। बड़ी रोचक जानकारी है, तो जो ज्योतिष प्रेमी है, जो सेक्स प्रेमी है, बताएंगे हम कि ओशो के लंबी सेक्स वेटिंग का राज क्या था, आखिर वो कैसे समर्थ हुए। भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओशो को पहले शीघ्र पतन की शिकायत थी। बड़ा लंबा शीघ्र पतन होता था, जल्दी जल्दी उनका वीर आउट हो जाता था। यह उनके ग्रहों के आधार पर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उनके साथ तो रहा नहीं हूं, लेकिन ज्योतिष क्या कहती है, ज्योतिष का विश्लेषण आज मैं करूंगा। और फिर वो कैसे बने लंबी टाइमिंग वाले, लंबी रेस के घोड़ा। बरसों लग्न थी आचार्य रजनीश की कुंडली की। हालांकि छोटी सी वीडियो में मैं बहुत लंबा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना करूंगा गहरा करूंगा, और शायद ज्योतिष प्रेमियों के लिए कुछ काम का हो, या फिर जो सेक्स के प्रेमी हैं उनको कुछ काम का हो। बरसों लग्न मैंने लिख लिया, उनका चार्ट जो है उतार लिया है। बरसों लग्न की कुंडली थी और 29 डिग्री में, मैं लग्न से ही फलित करना शुरू करता हूँ, 29 डिग्री में के आसपास उनका लग्न जो अंश में थी, अर्थात एक प्रकार से बोला जाए तो वृद्धावस्था से मृतावस्था में पहुंच चुकी थी। और जिसकी ये स्थिति होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक उन्माद होता है, एक जुनून होता है, एक हठधर्मिता होती है। मैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर बात करूंगा, मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा यहाँ पर। वैसे मैं प्राय अपनी वीडियोस में निष्पक्ष होकर ही बात करता हूँ। तो रजनीश जी की जो कुंडली में वृषों लग्न वृद्ध अवस्था से मृत अवस्था की ओर प्रस्थित हो चुकी है, और उसमें मिथुन लग्न की ओर संक्रमित हो रही है, लग्न के जो अंश है। और ये ऐसा होने पर जाता कोई भी हो, और वृषों लग्न है, क्योंकि शुक्र इस घर का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, वृष लग्न का, वृष राशि का स्वामी है, शुक्र है। तो शुक्र चूंकि जो है सुख का ग्रह है, सेक्स का ग्रह है, कला का ग्रह है, कलाकारी का ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक उन्माद होगा, एक जुनून होगा कला के प्रति। कौन सी कला? वो है एक संभोग कला, सेक्स की कला। और कौन सी कला? इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इनके जो भक्त बने फिल्मी दुनिया से, विनोद खन्ना भी बने, क्योंकि शुक्र फिल्म इंडस्ट्रीज बनने ठन्ने, मुखौटा, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, इन सभी चीज सुंदर चीजों का स्वामित्व रखता है शुक्र। तो ये जो है सुंदरता के पुजारी थे। सेक्स चूंकि यह शुक्राचार्य है, असुरों का ग्रह है, ऐसा ग्रह कूटनीति का स्वामी भी बनाता है, ऐसा व्यक्ति कूटनीति भी जानता है। लेकिन चूंकि इनकी इनकी जो वृषों लग्न है वो वृद्ध अवस्था से शून्य अवस्था की ओर जा रही है, इसलिए हट धर्मिता के कारण ये अपने कूटनीति का भरपूर इस्तेमाल अपने आप को, अपने किंगडम को, अपने गुरुत्व को सुरक्षित रखने में उपयोग नहीं कर सके, ये बारीक अध्ययन कहता है।
ये तो मैंने ऐसे ही छोटा सा मैंने वो चार्ट बना के रखा है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है। आप लोग सोचते होंगे क्या मैं ज्योतिष भी जानता हूँ? यस, 70 से 80% जानता हूँ, 100% चूंकि मुझे विश्व स्तर पर एक ज्योतिष गुरु के रूप में स्थापित स्वयं को नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना वो अभ्यास गौण कर दिया है। तो चलते हैं इस ओर। उनके अंदर एक जुनून था, एक उन्माद था सेक्स के प्रति, बहुत बड़ी उत्कंठा थी, उत्सुकता थी, और सेक्स पर ही उन्होंने खोज किया। उनका जो निजी व्यक्तित्व था वो शुक्र से प्रेरित और प्रभावित था। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, जो अंदर में था, अगर सीटी स्कैन करके अगर बारीक विश्लेषण किया जाए तो वो यही है। इसीलिए उन्होंने पुस्तक लिखी संभोग से समाधि की ओर। लिखी या लिखवाई, बात एक ही है, विचार उनके ही थे, चाहे अपने विचार उनके थे, चाहे उन्होंने हाथ से अंकित किए या किसी और से कराए, ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चूंकि आगे चलते हैं इनके कुछ खास स्थितियों की ओर। इनका बृहस्पति जो है तृतीय स्थान में उच्च का बैठा हुआ है, कर्क राशि का होकर के, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च की होती है, तृतीय स्थान में बैठा है। चूंकि गुरु है, देव गुरु है, तो ये वेदांत का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, इसीलिए इन्होंने फिलोसफी से एमए किया, इस ग्रह ने कराया। मैं ज्योतिष पे आधारित जानकारी दे रहा हूं, बहस करने वाले तो मूर्ख मुद्दा ढूंढ लेते हैं, उनकी कौन परवाह करता है। तो बृहस्पति ने ही उनको 4-5 विषयों से एमए कराया। चूंकि ये पराक्रम का स्थान है, पुरुषार्थ का स्थान है, भाई बहनों का स्थान है और यात्राओं का स्थान है, तो इन्होंने अपने व्याख्यान और गुरुत्व के कारण बहुत सारे देश में यात्राएं किया और यात्राओं में अपने गुरु से समय ज्ञान दिया, अपनी फिलॉसफी को दिया। कौन सी फिलॉसफी? संभोग से समाधि की ओर। उस सिद्धांत को ही इन्होंने आजीवन स्थापित करने में अपना गुरु अर्थात जो गुरुत्व था, जो क्षमता थी ज्ञान की, उसको इन्होंने लगाया। क्योंकि ये भाइयों का, इस बहनों का भी स्थान है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति, तो वहां पर इनके भाई बहनों की संख्या को ये बढ़ा देता है, अर्थात 11 बहन भाई थे ये आचार्य रजनीश। और सबसे बड़े भी बनाया गया इनके लिए। इसके साथ ही केवल 3 घरों में इनके ग्रह बैठे हैं। भाइयों, ज्योतिष प्रो में एक चीज ध्यान रखिएगा, आचार्य रजनीश की कुंडली में तृतीय स्थान में गुरु, सप्तम घर में सूर्य वृश्चिक का होकर के, और अष्टम घर में 5 ग्रह बैठे हैं, शनि, शुक्र, मंगल, बुध और चंद्र। ये 5 ग्रह अष्टम घर में बैठे हुए हैं। तो अष्टम स्थान जो है गुप्त स्थान है। अगर निजता पे बात किया जाए, व्यक्तित्व पे बात किया जाए, कुंडली के अष्टम जो भाव है वो एक रहस्यवाद की ओर ले जाता है। सातवां घर व्यक्ति के व्यापार का और पति और पत्नी का होता है, लेकिन इसका जो गूढ़ ज्ञान है वो अष्टम घर से प्राप्त होता है। चंद्र, मंगल और 5 ग्रह बैठे, तो इससे एक प्रकार से देखा जाए तो प्रव्रज्ञा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी की तरह रहता है। सन्यासी की तरह रहता है ऐसा व्यक्ति, यह सच है, लेकिन चूंकि इनका शुक्र जो है स्ट्रॉन्ग है कुंडली के अंदर, और अष्टम का जो शुक्र है, अष्टम का जो शुक्र होता है वो सेक्सुअल एपिटाइट को बढ़ा देता है,
और सुखों का उपभोग कराने की प्रवृत्ति को भी जागृत करता है, उसको लगातार बढ़ाता जाता है। शुक्र वाहन का भी स्वामी है, शुक्र सेक्स का भी स्वामी है, इसीलिए शुक्र ने 90, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है, कि ओशो ने अपने नाम पर अमेरिका में 90 कारें अपने मजा मस्ती के लिए रखी थी, माने खुद की ड्राइविंग के लिए, हर दिन बदल के। उनका इरादा था अगर उनको 4-5 साल के बाद 85 में अगर अमेरिका की सरकार उनको वहाँ से निर्वासित नहीं करती, भगाती नहीं, तो वो 365 कार खरीदने के चक्कर में थे। तो ये एक जुनून दिया, एक उन्माद दिया, सुखों को भोगने का उन्माद। भाइयों, इसको आप अतिरिक्त ना समझें, अन्यथा ना लें, विशेष तौर पे समझें। शुक्र चूंकि वो लग्न ने गड़बड़ किया, उन्मादी बना दिया, हटी बना दिया, इसलिए ओशो ने कभी अपने बाप की भी नहीं सुनी। बड़ा मजेदार लॉजिकफुल कुंडली का विश्लेषण है। मैं सभी भावों पे नहीं, सभी व्यक्तित्व पहलुओं पे नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ज्योतिष के लिए लंबा टाइमिंग समय चाहिए। फिर क्या हुआ, शुक्र अष्टम में, अष्टम का शुक्र बहुत अच्छा होता है, चाहे तो गोचर में आ जाए आपके राशि से या जन्म लग्न से तो भी अच्छा होता है। और इनकी जन्म कुंडली में अष्टम घर में बैठा हुआ है, ये 5 ग्रह तत्कालिक मित्र बन गए। हालांकि मंगल और शनि ये मित्र नहीं, शत्रु ग्रह है, लेकिन जब एक साथ बैठ जाते हैं ये तात्कालिक मित्रता स्थापित करते हैं आपस में। तो अष्टम घर में सब लोग एक तरफ हो गए हैं। मंगल माने जो कि पुरुषार्थ का स्वामी होता है, ऊर्जा का होता है, एनर्जी लेवल का होता है, आग का होता है, जीवन ऊर्जा का होता है। तो मंगल ने भी पुरुषार्थ कराया, कहाँ कराया, सेक्स के ऊपर पुरुषार्थ किया इन्होंने, खोज किया अपनी, आग झोंक दी मंगल ने भी। दूसरा जो है चंद्रमा है, चंद्रमा कल्पना का स्वामी है। यहाँ पर मैं वैसे बहुत सारी चीज़ों का है, वनस्पति का भी है, जो नक्षत्रों का भी है, वो एक अलग विषय है, मेडिकल लाइन को भी इससे देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जो इंगित कर रहा है, चंद्र और मंगल की युति, एक युति यहाँ पर जो है धनदायक भी बनती है। साथ में जो बुध है वो वक्तित्व का व्याख्यान कराया, शनि अर्थात बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे सोशल वर्किंग, जो सोशल वर्किंग कराया, जो नेटवर्किंग कराया, जो इन्वेंशन कराया, वो सब अष्टम घर में कराया, और अष्टम घर में 5 ग्रह स्थित होने से कराया। हालांकि ये प्रव्रज्य योग है, लेकिन ये भंग हो गया। अगर यहाँ पर शुक्र की स्थिति नहीं होती तो ये पूर्ण प्रव्रज्य योग बनता जा करके। शुक्र ने इनको भोगी बनाया, विलासी बनाया। अब सोचने की बात है, 90 कार्य आदमी एक नाम पर कितनी कार्य रख सकता है, ये तो एक हद हो गई। 90 कार्य खुद के लिए, उपयोग के लिए, ये हद नहीं। किसी के पास एक हो, दो हो, चार हो, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 कार्य और 365 करना चाहते थे, है ना, एक जुनून। ये अस्त लग्न का प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति हठधर्मी हो जाता है। एक दूसरा कारण है इनकी हठधर्मिता को जिसने बढ़ाया है, वो है बृहस्पति और शुक्र, ये षडाष्टक योग बन गया है, ये एक दुर्योग होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान है वो विरोधाभासी होता है। तो कहीं कहीं इन्होंने अपनी ही बात का खंडन कर लिया है, कहीं कहीं इन्होंने ये भूल गए कि इन्होंने कहाँ पर क्या बोला, उसके खिलाफ ही बोल दिया, अर्थात एक विरोधाभासी वक्तव्य देना। कहीं पर ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो कहीं पर ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। कहीं पर राम की महिमा का वर्णन करते हैं और कहीं पर ये राम के लिए एक मदांध व्यक्ति बोल देते हैं, तो ये विरोधाभासी।
तो इनका गुरु और शुक्र का जो षडष्टक योग है, इसकी वजह से इनका जो ज्ञान है वो आपस में ही, अपने आप में ही एक अंतर बैर पैदा करता है, अंतर विरोध पैदा करता है। इसके अलावा एक और मजेदार बात बताऊं आपके लिए, ओशो की जो कुंडली में योनि थी बानर, और बानर योनि जिसकी होती तो बंदर जैसा उसका स्वभाव होता है, बंदर जैसी उत्सुकता होती है। अब सेक्स प्रेमियों सावधान होकर सुनो इस लॉजिक के लिए, और ज्योतिष प्रेमियों, योनि से अर्थ होता है उसकी मूल इच्छा मूल प्रवृत्ति का। तो इनकी जो मूल प्रवृत्ति सेक्स की थी उसमें बानर योनि से, योनि माने उत्पत्ति का भी होता है, तो मूल प्रवृत्ति इनकी जो अभिव्यक्त होगी प्रकट होगी वो बानर योनि, बानरी प्रक्रिया के माध्यम से, बानरी स्वभाव के कारण, या बानरी योनि है। जैसे बंदर की जो जात होती है, योनि माने जाति भी होती है उत्पत्ति भी होती है, तो बंदर का जो मूल आचरण है उछल कूद, और एक और बंदर का जो मूल आचरण उछल कूद तो है लेकिन वो सेक्स विशेष प्रिय है बंदर के लिए। और इनका चूंकि इनके लिए उन्माद था, एक जुनून था ओशो के लिए शुक्र के कारण, और वृषभ लग्न का अस्त होने के कारण या अस्त होने की कगार पे पहुंच गए थे, इसके कारण जो उनको एक जुनून था, एक पागलपन था, उस पागलपन इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में से इनकी जो इस जन्म में निकल के आई बानर योनि, बानर योनि, बानर के अंदर इरेक्शन तो होता है, बहुत जल्दी बानर का लिंग में तनाव होने लगता है, खड़ा होने लगता है, लेकिन चार चोट मारने के बाद बंदरी के ऊपर जब चढ़ता है तो चार चोट चार स्टॉक मारने के बाद उसका वीर आउट हो जाता है, अर्थात शीघ्र पतन की शिकायत बंदर को होती है। तो रजनीश जी ने चूंकि विवाह किया नहीं, बचपन से ही इनके लिए सेक्स के प्रति विशेष आकर्षण था, एक जुनून था, उस पे जुनून इनका इस तरह से बदला जब ये हस्त मैथुन करते थे। हस्त मैथुन भी दिखा रहा है षडष्टक योग, शुक्र गुरु का जो षडष्टक योग है वो अपने हाथ से भी वीर्य की हानि और बर्बादी या क्षय कराता है, ये ज्योतिष सिद्ध बात है, ये ज्योतिष सिद्ध बात है। और इन्होंने हस्त मैथुन जब किया, उस हस्त मैथुन के कारण इनके पुराने फोटो देखिए, उसमें चेहरे की चमक ही खत्म है, एकदम चेहरा उबड़ खाबड़ सा दिखाई देता है, बड़ा सूखा साका बुझा हुआ दिखाई देता है, बड़े इरिटेटेड खिंचा हुआ चेहरा दिखाई देता है। हमारे किसी वीडियो पर थंबनेल देख लेना या फिर गूगल करके डालना कि ओशो के बचपन के फोटो, तो बचपन में वो जवानी वाला, वो 18-20 साल की उम्र वाला भी फोटो 24 साल की उम्र तक का आ जाएगा, वो देखना। मैंने हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति के जो विशेष चिन्ह और हाव भाव जो चेहरे पर आ जाते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो मैं ये उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूँ एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए फिलोसफर, एज ए जज। तो बानर योनि इनको शीघ्र पतन की शिकायत थी, तो इनको बहुत गुस्सा आया, और चूंकि जुनून था इनको शुक्र के कारण, जुनून था, उस जुनून ने इनके लिए लंबी बैटिंग के लिए कि टाइमिंग को बढ़ाया कैसे जाए, एक आध बार किसी लड़की के साथ में किया, बहुत जल्द आउट हो गए, चोट लगी इनके दिल को। इन्होंने कहा कि एक दिन मैं संभोग सम्राट बनूंगा, तो इन्होंने अपनी टाइमिंग को लंबा, बंदर बहुत जल्दी आउट हो जाता है, यह ध्यान रखना, कुत्ता जल्दी आउट नहीं होता, कुत्ते की उस पर भी वीडियो कभी बनाएंगे कुत्तों के लंबी टाइमिंग का राज। तो बंदर की 100 टाइमिंग का राज यह है क्योंकि उसके अंदर जुनून होता है, जल्दबाजी होती है और छड़ जाता है बहुत जल्दी। तो ओशो ने अपने शीघ्र पतन को रोकने के लिए, और इसी बात से
डिप्रेशन में चले गए। पढ़ाई तो करते थे, इसीलिए बहुत किताबों में खोज किया, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन इसका समाधान इनको जल्दी नहीं मिला। तब ये उतरे जाके तंत्र के राज की ओर, आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर, आध्यात्मिक साधनाओं की ओर, प्राणायाम की ओर, योग की ओर, क्योंकि जैन परिवार से थे तो जैन साधुओं से मिलते थे, बहुत सारे लोगों से मिलते थे कि काश ये अपने वीर्य पे नियंत्रण प्राप्त कर लें, ये ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि स्वप्न दोष होने लगा इनके जुनून के कारण और चेहरा इनका बुझ गया, डाउन हो गया। आपकी जानकारी को एक और मजेदार बात बताता हूं कि शुक्र जो था उनका 19:30 कला का था, और जबकि गुरु जो है 29+ था। गुरु बूढ़ा था, हालांकि बृहस्पति उच्च का था, यात्राओं में था तो इन्हें घूमना फिरना ज्यादा अच्छा लगता था। गुरु उच्च का होते हुए भी लेकिन शुक्र जवान था और अष्टम में बैठ गया तो उसका बल ज्यादा बढ़ गया। एक चीज ध्यान रखना, जब गुरु तृतीय स्थान में होता है तो शिक्षक तो अच्छा बना सकता है किसी के लिए, लेकिन उसका जो ब्रह्म ज्ञान होता है उसमें उतना गुरुत्व नहीं होता है, और उस गुरुत्व को कमजोर करने में षडाष्टक शुक्र और गुरु का योग बन गया। माने शुक्र प्रबल हो गया, सेक्स प्रधान हो गया ऐसा व्यक्ति, और गुरु अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित बातें थी वो गौड़ हो गई, थोड़ी छिप गई, थोड़ा पीछे रह गए। बहुत कुछ है इसमें बताने योग, लेकिन समय बहुत हो रहा है, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो शुक्र इनका जवान था और लग्न इनकी वृद्ध और अस्त थी, उसने एक जुनून दिया, पागलपन दिया, और उसने उसी से संबंधित दिया, राशि ने उसमें चार चांद लगा दे, षडाष्टक योग बना दिया। सूर्य चूंकि चतुर्थ स्थान का भवन और भूमि का यहाँ पर फैक्टर बनना है, एक घटक बनना है, हालांकि भूमि का स्वामी मंगल होता है, लेकिन यहाँ पे चतुर्थ से सूर्य का देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की जो वाहन और भूमि होती है वो विस्तृत होती है। अब आपको एक मजे की बात ये बताएं कि ये इतने बड़े हट धर्मी थे, सोचने की बात है, तार्किक तो थे, कूटनीति जानते भी थे, लेकिन ये अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं कर पाए। कूटनीति के तो बहुत बड़े थे, ये दूसरे की नीति और कूटनीति पे अच्छा विश्लेषण कर लेते थे, क्योंकि ये दृष्टा भाव का में स्थित हो चुके थे, उसकी झलक को पा चुके थे, लेकिन चूंकि हठधर्मी योग भी था इनका, एक तो शुक्र गुरु के कारण, दूसरा आपकी जानकारी को बनाया 7, 8 और 1, 9 राहु 12वें एकादश स्थान में बैठ करके सूर्य पर नवम दृष्टि से देख रहा है, जो राज्य सरकारों से टकराने का काम कराता है, और ये ग्रहण योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, जो जीवन होता है, वो बदनामी से जुड़ा हुआ चलता है, ये पक्का है। और एक आने वाले समय में ये बहुत मजे की बात है, आनंद की बात है भाई और बहनों, कि सूर्य ग्रहण योग बनने के कारण इतने बदनाम हुए और एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच के, अमेरिका में पहुंच करके भी वहां से इनको भागना पड़ा। किसके कारण? सरकार के कारण, वहां की तत्कालीन सरकार के कारण। सूर्य सरकार का द्योतक है, इनकी गाड़ी घोड़ा का भी, ये झुके नहीं वहां, इन्होंने वहां कूटनीति का प्रयोग नहीं किया, ये भूल गए अपने जुनून के कारण, अपनी हठधर्मता के कारण, ये भूल गए कि सामाजिक नीतियां भी कुछ मायने रखती हैं। अगर आपको अपना सामाजिक जीवन व्यवस्थित रखना है, बनाए रखना है, टिकाऊ रखना है, तो निश्चित रूप से तुम्हें सामाजिक नीतियों को भी
फॉलो करना चाहिए, करना होगा। वो इन्होंने, चूंकि इनके स्वभाव में नहीं था, विद्रोही स्वभाव था, हट धर्मी स्वभाव था, बृहस्पति और वृष लग्न इनकी अस्त हो चुकी है, शुक्र इनका दमदार है, तो ये भोग और विलास में इतने लीन हो गए। और राहु चूंकि एक निशाचर ग्रह है, इनके अंदर उस एक उद्दंडता को बढ़ावा मिला, हट धर्मता को बढ़ावा मिला और सीधा सीधा ये सरकार से टकराने लगे। मैं अनुभव के साथ ये बोल रहा हूं, इस तरह के स्वभाव वाले बहुत सारे लोगों की जन्मपत्री का अध्ययन हमने किया है। ऐसा नहीं कि ओशो से मेरा बैर और विरोध है, मैं ओशो का सम्मान भी करता हूँ, अच्छाइयों का सम्मान करता हूँ, जो माइनस पॉइंट थे वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। चूंकि ये राक्षस के रहे, एक बात और, पंचम दृष्टि से एकादश स्थान में मीन राशि में राहु बैठ करके पंचम दृष्टि से अर्थात इनके तृतीय स्थान में, लग्न से तृतीय स्थान में जो गुरु उच्च का बैठा है उस पर राहु पंचम दृष्टि से देख रहा है। ये एक प्रकार से आंशिक गुरु चांडाल योग बनता है, राहु और गुरु का ये चांडाल योग बन जाता है। और इस चांडाल योग के कारण इनके जो भक्त थे, पता है वो कौन थे? वो चांडाल प्रकृति के लोग थे। चांडाल प्रकृति मतलब जिनके लिए गंदा कुछ नहीं, जो लिंग भी चूसने का काम करते हैं, योनि को चाटने का काम करते हैं, वो कौन लोग हैं? ईसा अनुयायी अर्थात विदेशी फॉलोअर्स। राहु चूका, राहु और शनि, हालांकि राहु नैऋत्य कोण का स्वामी है, शनि पश्चिम का स्वामी है, पश्चिम दिशा का, 7, 8, 9 और एक दशम, चूंकि शनि वहां से दशम स्थान पे अष्टम घर के जो बैठे हुए ग्रह हैं राहु से, तो पश्चिम दिशा के लोगों को इन्होंने इनसे जुड़े और कनेक्शन में आए, संबंधित हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि राहु एक चांडाल ग्रह है, मिलिच्छ ग्रह में आता है और मिलिच्छ लोगों के द्वारा, मिलिच्छ का अर्थ यहाँ मुसलमानों से, मुगलों से नहीं है, मिलिच्छ वो होते हैं जो कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी जानने के लिए धर्म और शरीयत से अलग हटके प्रयोग करने का साहस और उत्सुकता और जुनून रखते हो, उनको यहाँ पर प्रायोगिक दृष्टिकोण से मिलिच्छ बोला गया है। वैसे मिलिच्छ ज्योतिष ग्रंथों में यवनों को भी बोला गया है, वो एक अलग का विषय है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, नॉट यहां पर ज्योतिष के नहीं। तो यदि आप कुत्ते जैसी टाइमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आचार्य रजनीश की तरह, कुत्ते देखता घंटों सेक्स करता रहता है, सेक्स के स्थिति में पड़ा रहता है, उसके वीर छड़ता नहीं, आउट नहीं होता है। चूंकि इनका बंदर योनि थी, बानर योनि थी, तो इन्होंने बानर से कुत्ते की तरह अपनी ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें उस पर इन्होंने बहुत गहरे प्रयोग किए, हठ योग का सहारा लिया, क्रिया प्रक्रियाओं का लिया और लंबा सेक्स पर खोज किया, फिर लिख दिया संभोग से समाधि की ओर। एक बात और, इनके तीन घरों में सब ग्रह बैठे, राहु केतु की गिनती यहाँ पर नहीं होती है, इनके सातों ग्रह तीन घर में है और एक और भी एक ऐसी कुंडली है, आने वाले समय में उस गुरु के बारे में बताया जाएगा। अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो गुरु अभी इतना नामचीन नहीं हुआ, प्रसिद्ध नहीं हुआ है। उसके भी आनंद की बात यह है कि तीन ही घरों में ग्रह बैठे हुए हैं और वो गुरु और आचार्य रजनीश का कहीं ना कहीं 70% एकता मालूम पड़ेगी। कभी उस पर विश्लेषण करेंगे, वो लंबे समय के बाद, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका भला हो, लोगों की जागरूकता के लिए, उत्सुकता के लिए मैंने इस विषय पे बना दिया। कहीं 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 मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे
क्षमा करिएगा और मैं आचार्य रजनीश और उनके भक्तों से बड़ा लगाव रखता हूं। ओम शांति ओम क्रांति। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही मैं चाहता हूं, क्योंकि सबका कल्याण होगा तो हमारा तो हो ही जाएगा, हमें अपनी चिंता नहीं है। अब हमने तो अपने लिए एकदम से छोड़ दिया है कि भगवान हमारे लिए बदनामी बदनाम करके ही आप लोगों की सेवा कराना चाहता है, तो कोई बात नहीं, हम झेलेंगे इस कलंक का, कलंक के टीके को। ओह।